हेलो एवरीवन, आई होप सभी ने प्रीवियस वीडियो देखी होगी। आज हम टॉपिक ले रहे हैं बिटवाइज ऑपरेटर। बेसिकली बिटवाइज ऑपरेटर्स किस लिए यूज़ करते हैं एंड व्हाट इज द पर्पस एंड व्हाट आर द बिटवाइज ऑपरेटर। तो बिटवाइज ऑपरेटर आर यूज फॉर मैनिपुलेशंस डाटा एट द बिट लेवल। बेसिकली बिटवाइज ऑपरेटर अप्लाई होते हैं बेसिकली बिट्स पे। तो जैसे कि आप जानते हो हमारा कंप्यूटर सिर्फ हमारी बाइनरी लैंग्वेज समझता है, तो बाइनरी लैंग्वेज हमारी क्या होती है, जीरो और वन। बिट का मतलब या तो जीरो या वन। तो बेसिकली बिटवाइज ऑपरेटर आर यूज़ किए जाते हैं डाटा को मैनिपुलेट करने के लिए डाटा को एट द बिट लेवल पे। आल्सो कॉल एज ए बिट लेवल प्रोग्रामिंग, इसे बिट लेवल प्रोग्रामिंग भी कहते हैं। दे आर यूज इन न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन। बेसिकली न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन करने के लिए इसका काम किया जाता है। दे आर यूज न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन टू मेक द कैलकुलेशन प्रोसेस फास्टर। इसकी हेल्प से आप कैलकुलेशन प्रोसेस क्या हो जाता है, फास्ट होता है। बेसिकली हमारे पास बिटवाइज के डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटर हैं। ये बिटवाइज ऑपरेटर के हमारे सिंबल्स हैं। ये हमारा है बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, बिटवाइज एक्सक्लूसिव और, ये नेगेशन का साइन जिसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट, और ये मेरे लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर है एंड राइट शिफ्ट ऑपरेटर है। आज हम इस क्लास में कवर करेंगे बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, बिटवाइज एक्सक्लूसिव और एंड कॉम्प्लीमेंट। लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बेसिकली बिटवाइज एंड और के लिए हमें पहले ट्रुथ टेबल के बारे में आइडिया होना चाहिए। like, हमारे पास जो ये ऑपरेटर्स हैं, हम पहले पास एक एक्स ले लेते हैं, एक वाई लेते हैं। बेसिकली बिटवाइज ऑपरेटर जो होते हैं हमारे एंड और, ये दो ऑपरेंड्स के बीच में लगते हैं, एंड और एक्सक्लूसिव और, तो दो ऑपरेंड होने चाहिए। तो ये सब ट्रुथ टेबल में क्या है, हमने पहले क्या लिया है कि 0011 y में लिया है 0101। अब हमें इसमें लगाना है एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर में क्या होता है बिटवाइज एंड में, दोनों अगर मेरी दोनों ही बिट वन है तो मेरा वन आएगा, अगर दोनों ही बिट में मेरा क्या एक बिट वन है एक बिट जीरो है तो हमारा जीरो आएगा। एंड ऑपरेटर के अंदर बिटवाइज एंड में दोनों ही बिट्स मेरी वन होंगी तो वन आएगा, अदरवाइज उसमें जीरो आएगा। तो एक्स कितना है, जीरो, वाई मेरा जीरो है, तो यहाँ पे क्या आया, जीरो। ये पहली बिट मेरी यहाँ पे एक्स कितनी है, जीरो, वाई बिट मेरी कितनी है, वन, तो यहाँ पे क्या आएगा, जीरो। यहाँ पे एक्स की बिट कितनी है, वन, वाई की बिट कितनी है, जीरो, तो यहाँ पे क्या आएगा, जीरो। यहाँ पे x भी 1 है, y भी 1 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1। तो हमारा बिट वाइज एंड में दोनों बिट अगर 1 होगी तो 1 आएगा, अदरवाइज 0। बट और ऑपरेटर में दोनों बिट में से अगर एक भी बिट 1 होगी तो हमारा 1 आता है, अदरवाइज 0। तो x और y में दोनों ही बिट 0 हैं तो 0, x 0 है, y 1 है, मीन्स एक बिट 1 है, तो यहाँ पे क्या आ गया, 1। यहाँ पे क्या है, x 1 है, यहाँ पे क्या है मेरा, 0, x 1 है, y 0 है, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे x भी 1 है, y भी 1 है, तो 1। तो और में हमारे पास अगर x और y दो बिट हैं, उन दोनों बिट में से अगर एक भी बिट 1 होती है तो 1, अदरवाइज 0। अब है एक्सक्लूसिव और। एक्सक्लूसिव और में ये होता है कि दोनों बिट अगर मेरी डिफरेंट होंगी तो 1 आएगा, अगर दोनों बिट सेम होगी तो 0 आएगा। यहाँ पे x भी 0 है, y भी 0 है, दोनों बिट सेम है तो 0। यहाँ पे x 0 है, y 1 है, दोनों बिट क्या है, अपोजिट है, एक 0 है एक 1 है, तो 1। यहाँ पे x मेरा 1 है, y मेरा 0 है, तो 1। बट यहाँ पे दोनों ही क्या हो गई, सेम हो गई, दोनों बिट अगर सेम होती है तो 0। आई होप ये क्लियर होगा। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। एंड ऑपरेटर में हमारी दोनों बिट में से एक भी बिट 1 होगी तो 1, अदरवाइज सब 0। बट और में दोनों में से एक भी बिट 1 होती है तो 1 आता है, दोनों बिट में से एक भी बिट 1 हो तो 1 आता है, नहीं तो 0। बट एक्सक्लूसिव और में दोनों बिट एक दूसरे के अपोजिट होनी चाहिए, मतलब एक 0 होनी चाहिए और एक 1। तो अगर यहाँ पे दोनों ही बिट सेम होगी तो 0 आएगा, अगर दोनों ही बिट डिफरेंट होगी तो 1 आएगा। अगर जैसे इस वाले केस में, जैसे ये दोनों बिट क्या थी, सेम थी, तो 0, दोनों बिट मेरी क्या है, डिफरेंट है, तो यहाँ पे क्या आ गया, 1, एंड यहाँ पे दोनों बिट सेम है तो 0। आई होप ये क्लियर होगा।
तो अब हम एक तरीके से लेके चलते हैं बिटवाइज ऑपरेटर. यहाँ पे एक सेवन है, यहाँ पे फोर है. सेवन को हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, सेवन को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे. तो बाइनरी में सभी को यह क्लियर होगा कि बाइनरी में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं. अगर नहीं क्लियर है तो लाइक्स यहाँ पे है हमारे पास सेवन. सेवन को बाइनरी में कन्वर्ट करना, एक ट्रिक्स बताती हूँ उसे कन्वर्ट कर सकते हैं. यहाँ पे सबसे पहले आप लिखो वन, इसका डबल करो टू, इसका डबल करो फोर, डबल करो एट, सिक्सटीन, थर्टी टू, सिक्सटी फोर, वन ट्वेंटी एट. क्योंकि अधिकतर हमारी जो हमारा वन वाइट होता है वो एट बिट के बराबर होता है, तो हमने यहाँ ये एट बिट के लिए कवर कर लिया है अभी. तो हमें मुझे क्या बनाना है, सेवन. सेवन का सेवन कैसे बना सकते हैं, अगर मैं जिसके नीचे यहाँ पे मैंने ये लिखा फोर, ये वन वन वन, इन दोनों हम इनको आपस में ऐड करेंगे तो फोर टू सिक्स, सिक्स प्लस वन सेवन, बाकी सारी बिट्स क्या आ जाएंगी, जीरो. तो सेवन को बाइनरी में कन्वर्ट करने का ये शॉर्टकट मेथड बताया मैंने. इस तरीके से आप इसको सेवन को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं. ऐसे ही अगर मेरे को बोला जाए कि फोर का बाइनरी नंबर बताओ, तो फोर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करने का यहाँ पे आप लिखोगे, हमें जो बनाना होता है उसके नीचे वन लिख दो, बाकी सब बिट्स क्या हो जाएंगी मेरी, जीरो. फोर कब बनेगा, जब मैं इसके नीचे यहाँ पे वन लिख दूँ और बाकी सारी बिट्स क्या हो जाएंगी, जीरो. तो हमारे पास सेवन का बाइनरी नंबर क्या हो गया, सेवन का बाइनरी नंबर अगर मुझे लिखना है एट बिट की फॉर्म में, तो ये हो जाएगा सेवन का बाइनरी नंबर जीरो 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 वन वन वन. और फोर का बाइनरी नंबर क्या हो जाएगा, जीरो 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 वन डबल जीरो. इस तरीके से हम बिट को जो हमने ये सेवन डेसिमल नंबर है इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया. आई होप ये क्लियर होगा. इस तरीके से हमने बिट वाइज एंड करना है. तो यहाँ पे हमने सेवन का बाइनरी नंबर निकाला, यहाँ पे फोर का बाइनरी नंबर निकाला, हमें यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, एंड. एंड ऑपरेशन जब हमें परफॉर्म करना है तो वही चीज़ है कि अगर दोनों बिट मेरी क्या हो, सेम हो तो वन, बाकी जब दोनों ही बिट मेरी क्या हो, वन हो तो वन, अदरवाइज क्या होगा, जीरो. तो पहली बिट वन है, दूसरी बिट जीरो है तो जीरो, पहली बिट वन है, दूसरी बिट जीरो तो जीरो. बट पहली बिट भी वन है एंड दूसरी बिट भी मेरी क्या है, वन, तो यहाँ पे वन आएगा. बट दोनों ही बिट जीरो हैं तो यहाँ पे वन. तो सेवन फोर का बाइनरी नंबर ये जीरो वन डबल जीरो, इसको कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में तो क्या आ जाएगा, फोर. बिटवाइज और बिटवाइज में भी सेवन फोर का हमें क्या निकालना है, और में हमारे पास क्या है, दोनों बिट में से अगर एक भी बिट मेरी वन होती है तो वन, अदरवाइज जीरो. तो यहाँ पे हमने इसका देखा, इसको कन्वर्ट कर लिया हम लोगों ने बाइनरी में. फिर इसके बाद हमने क्या करा, इनका हमने और ऑपरेटर लगा दिया. तो यहाँ पे क्या है, ये एक बिट वन है, दूसरी बिट जीरो तो वन, एक बिट वन है, दूसरी बिट जीरो है तो वन, दोनों ही बिट वन है तो वन, और दूसरी बिट क्या है, जीरो. इसका आप कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में तो कितना आ जाएगा, सेवन. एक्सक्लूसिव ओर में भी इस तरीके से सेवन है, यहाँ पे फोर है, सेवन में इनके दोनों ही बिट मेरी क्या है, अपोजिट होंगी तो वन, अदरवाइज जीरो. तो ये भी वन है, ये जीरो, अपोजिट है वन, वन जीरो, अपोजिट है वन, दोनों ही बिट मेरी वन है, दोनों बिट अगर जैसे सेम हो गई तो ये जीरो, यहाँ पे जीरो है, यहाँ भी जीरो. तो एक्सक्लूसिव ओर का अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे इसे तो कितना आ जाएगा, थ्री. नेक्स्ट बिट वाइज नॉट, नॉट ऑपरेटर जो होता है हमारा ये यूनरी ऑपरेटर होता है, क्योंकि ये दोनों जो हमारे थे बिटवाइज एंड ये दोनों हमारे बाइनरी ऑपरेटर थे, क्योंकि दो ऑपरेंड के बीच में लग रहे थे. बट हमारा नॉट ऑपरेंड सिर्फ एक के ऊपर अप्लाई होता है, जैसे सेवन. तो सेवन का हमारा बाइनरी नंबर क्या है, जीरो वन वन. इसका कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है अपोजिट. अगर जीरो है तो वन, वन है तो जीरो, यहाँ वन है तो जीरो, वन है तो जीरो, वन है तो जीरो, जीरो है तो वन. इसको आप कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में तो कितना आ जाएगा, एट. आई होप ये क्लियर होगा. इसका एक हम एग्जाम्पल कर लेते हैं.
इस तरीके से हमने क्या लिया, एक कैर ले रखा है डाटा टाइप ए, ए की वैल्यू क्या है 5, वी इक्वल टू क्या लिया है 9। तो ए का अगर बेसिकली कंप्यूटर में ये ऑटोमेटिक होता है, बट ये हमें थोड़ा कंसेप्ट समझाने के लिए ये हमने कमेंट में डाला हुआ है, जो डबल स्लैश में डालते हैं इसको कमेंट सेक्शन बोलते हैं। तो ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है 5, वी की वैल्यू क्या 9। ए का अगर हम बाइंड्री देखें तो ये इस फॉर्म में आएगा 00100 फॉर्म, एंड बी का बाइंड्री देखें तो ये आ जाएगा। ऑलरेडी अभी मैंने ये समझा दिया कि किस तरीके से आता है। अगर हम फिर इसके बाद हमने एक लाइन लिखी है प्रिंट एफ, ये ए की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ 5, वी की वैल्यू क्या आ जाएगी 9, क्योंकि हमने यही चीज़ को क्या करा है प्रिंट किया है। अब हम पहले प्रिंट एफ में हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं एंड ऑपरेटर। तो एंड ऑपरेटर में 5 और 9 का आप एंड ऑपरेटर करोगे तो ये इस तरीके से आएगा 00001, क्योंकि वही चीज़ एंड ऑपरेटर में क्या होता है, दोनों बिट में से अगर एक भी, दोनों बिट मेरी क्या होनी चाहिए 1, और अगर दोनों बिट मेरी 1 नहीं होती है तो बाकी जगह क्या आ जाता है 0, क्योंकि हमारी लास्ट की जो दो बिट है वही 1 है और बाकी सब क्या हो जाएगा हमारा 0। तो आप ये 0001 आ जाएगा, तो इसका आंसर कितना आएगा 1। सेम इस तरीके से हमने ए एंड बी का और ऑपरेटर अप्लाई कर रहे हैं, ए और बी का जब हम और अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें क्या होगा, दोनों बिट क्या होनी चाहिए, दोनों बिट में से अगर एक भी बिट 1 होती है तो क्या आ जाता है और। तो आप ए और इसका बी का अगर आप करोगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या देगा 001001। तो अब ये इसका क्या कर देगा, आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसका मैं एक बार लाइव करके दिखा दूंगी। ऐसे एक्सक्लूसिव ओर में क्या होगा, एक्सक्लूसिव ओर में भी क्या होगा, दोनों बिट अगर अपोजिट होती हैं तो मेरा 1 आता है, अदरवाइज 0। तो अगर आप यहाँ पे दोनों बिट जहाँ पे आपको ये ए और बी की जो दोनों बिट अगर अपोजिट दिखेंगी तो वो आ जाएगा आपका 1, अदरवाइज क्या होगा 1 और 0, सॉरी 0 होगा। अगर कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो हमारा अपोजिट होता है, 1 है तो ए का 5 है, 5 का बाइनरी नंबर ये है, तो 1 है तो 0, 0 है तो 1, तो इसमें क्या हो जाएगा, उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। इसका हम प्रैक्टिकली कर लेते हैं इस तरीके से, वही प्रोग्राम सेम हमने ये लिख लिया है। यहाँ पे मैंने अनसाइंड कैर क्यों लिखा है इसका भी रीजन बता दूंगी, यहाँ पे अनसाइंड कैर क्यों लिखा है। अगर आप अनसाइंड कैर नहीं लिखते हो तो आपका ये जो निगेशन वाला साइन है इसमें ये माइनस में आंसर देता है, क्या आ गया, हमने ए की 5 थी, वी की 9 थी, ए और एंड बी का हमने और एंड ऑपरेटर लगाया तो हमारा आउटपुट क्या आया 1, ए का हमने और ऑपरेटर बी के साथ किया तो कितना आया 13, ए के साथ हमने एक्सक्लूसिव और किया तो कितना आया 12, बट हमने निगेशन किया तो यहाँ पे क्या आ रहा है -6, जो कि हमारा रॉन्ग है। तो इसीलिए हमें यहाँ पे क्या यूज़ करना पड़ेगा, अनसाइंड कैर। अब इसे रन करेंगे तो हमारा आंसर सही आ जाएगा, यहाँ पे नहीं माइनस हट चुका है, अब यहाँ पे कितना आ गया 250। ये ऑलरेडी 1, 3, 13, 12 जो मैंने बताया है ये कंप्यूटर आपका ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन करता है, बट ये मैंने आपको बताया कि किस तरीके से कैलकुलेशन होता है ये आप लोगों को अभी समझाया कि वो बाइंड्री में कन्वर्ट करते हैं, फिर बाइंड्री में ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं उसके अकॉर्डिंग फिर उसको वो दोबारा से डेसिमल में कन्वर्ट करता है। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा।